नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब कोई इंसान अपने कोचिंग में दोबारा मिलने आता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसा कि मैं आज आप लोगों को पंकज कश्यप अपने एक प्रिय स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं, जिसका सिलेक्शन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर हुआ है। मैं इन्हीं की वाणी से सुनना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैं यहाँ पे 2 साल से था। मतलब उस टाइम तो कोरोना के टाइम पे बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे कि जो हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। तो मैं यहाँ जॉब के लिए आया था और फिर उसके बाद मैंने बोर्ड देखा था सम्राट नर्सिंग एकेडमी का, तो मैंने यहाँ के जो सर थे इनसे कांटेक्ट किया, राजीव सर से। इन्होंने मुझे बताया, फिर मैं जब यहाँ पे आया इन्होंने बोला कि पैसे या जो भी तुम डिसाइड करोगे क्लास लेने के बाद डिसाइड करना। तो पहली क्लास जो थी मेरी मुकेश सर की थी। जब मुझे लगा उनकी क्लास लेने के बाद मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ है वास्तव में, तब मैंने यहाँ पे क्लास ज्वाइन की। उसके बाद फिर राम सर की क्लास ली मैंने, तो सच में उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, सारे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया मुझे और बहुत लोगों ने मुझे डिमोटिवेट भी किया कि क्या रखा है कोचिंग में, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। बट अभी तक मैं 2 एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें से एक का रिजल्ट नहीं आया है, 2 का आया है। UPPSC में, उसमें भी नंबर आ गया है मेरा, और अब UPCHO में सिलेक्शन हो गया है। तो राम सर, BP सर, राजीव सर और दीपक सर और मुकेश सर, सब ने इतना सपोर्ट किया है मुझे इन 2 सालों में। मैंने बहुत लोगों को मतलब मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हुए सुना है, बट इन्होंने मुझे ऐसा फील कभी होने ही नहीं दिया कि हाँ भाई तू कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तू बहुत कुछ कर सकता है, बट तुझे थोड़ा यहाँ कंटिन्यूटी बनाने की ज़रूरत है। और आज मैं जब सेलेक्ट हो गया हूँ तो सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है। और ये चीज़ मुझे इन सब ने ही सिखाई है, मेरे सारे टीचर्स ने, कि कभी अपने आप से मत हारो। इन्होंने कई बार बोला मुझसे कि अगर तुम अपने आप से हार गए तो शायद तुम कभी सफल ना हो पाओ। और ये सच बात है, अगर जिस दिन हम अपने आप से हार गए उस दिन हम कभी अपने दूसरे को, क्या हम खुद को नहीं उठा सकते, ठीक है ना। तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है आज कि मुझे ऐसे टीचर्स का साथ मिला, ऐसे टीचर्स का हाथ था मेरे सर पे जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। और थैंक यू राम सर, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आपने बहुत सपोर्ट किया है, मुकेश सर ने भी, BP सर ने भी और दीपक सर ने भी। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत डिमोटिवेट था, कई बार मुझे नींद नहीं आती थी रात को, बट फिर भी मैंने 2 साल अपने कोचिंग में बिगाड़े। वो बिगाड़ना तब था अगर मैं नहीं कुछ कर पाता, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत कुछ अर्न किया है यहाँ से, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया मुझे, बट आज मैं यहाँ हूँ। तो बस आज मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता कि मैं मेरे मन में क्या चल रहा है। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है जैसे कि पंकज मेरे पास आया है सिलेक्शन होने के बाद। जिस समय ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था उस समय बहुत ये डिमोटिवेट था। इसे हमने बोला कि बेटा नहीं, आप सब कुछ कर सकते, कोचिंग करो, कोचिंग में पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो हमें बताना। उसके बाद मैं तो सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं तो स्वयं हम होते हैं। हमको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना हो, नर्सिंग हो, चाहे आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें हमें रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अगर देना चाहता हूं तो वो दीपक सर, मुकेश सर, BP सर और रामलाल सर को। रामलाल सर ने निरंतर यहां पे मेहनत करते हुए इन बच्चों को सिलेक्शन की जो राह पर लेकर गए हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। हमारी कोचिंग का 80% रिजल्ट जो रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी के अंदर जो हमारा क्षेत्र है मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में जहां 5-5 या 10-10 बालक सिलेक्शन होते थे, वहीं हमारे कोचिंग के 80% बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। उसी चीज के लिए मैं सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने सभी टीचरों का और अपने सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन बच्चों ने निरंतर प्रयास किया और अपनी सफलता की राह पर चले और उन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर चयन हुआ। धन्यवाद।